हेलो एवरीवन। तो ये हमारा जो वीडियो है, ये हमारा वीडियो पार्ट टू, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट टू का वीडियो है। और मैं पार्ट वन ऑलरेडी बना चुका हूँ इसका। वहाँ पे मैंने कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक चीज़ें डिस्कस किए थे। अब उसके बाद इसका पार्ट टू वीडियो है, और उसके बाद एक पार्ट थ्री और बनेगा। तो मैं इसके छोटे छोटे फॉर्म में इसको ब्रेक कर रहा हूँ, ताकि आपको समझने में बहुत ईजी रहे। और ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है, ये आपका 9th 10th का जो सिलेबस के अंडर में आता है। हालांकि अरुणाचल में इस चीज़ को कम टच किया गया है, लेकिन जैसे ही अपकमिंग एग्ज़ाम जो आपके आ रहे हैं, तो वहाँ पे इसका पूछे जाने की अच्छी पॉसिबिलिटी है। जैसे SI जो एग्ज़ाम है आपका, फर्स्ट टाइम यहाँ पे कंडक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ऐसे टॉपिक टच करें। और जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन नया टॉपिक टच करता है, तो उसका बहुत ही बेसिक चीज़ डिस्कस करता है, बहुत ही बेसिक चीज़ कि आपने उसका बिल्कुल बेसिक अगर आपने पढ़ा है, तो आप उसको आराम से बना ले जाओगे। क्योंकि उसका ये सोचना होता है कि पहले आप इसका बेसिक करिए, फिर धीरे धीरे उसमें एडवांस क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता है। तो हमारे लिए ये टॉपिक बहुत ही एक एडवांटेज रहेगा कि अगर इस पर क्वेश्चन आता है, तो हम इसको बना ले जाएँ। और ये ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सरप्राइज हूँ कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजर ने ये इस टॉपिक को कम टच क्यों किया, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इसका एडवांटेज आपको बहुत से टॉपिक मिलता है ट्रिग्नोमेट्री का। तो जैसे क्लास 11th 12th की मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज आता है, इवन फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज आता है। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैसे और ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे SSC है जो सेंट्रल लेवल पे, तो इस टॉपिक पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमको स्ट्रॉन्ग करना है कि अगर इन फ्यूचर इस पर पूछना क्वेश्चन स्टार्ट किए, अभी जिस पर क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन पूछना स्टार्ट किए, तो हमारे लिए वो एडवांटेज होगा। अब सबसे पहले, जब ये मैं पार्ट वन डिस्कस करने के बाद की बात कर रहा हूँ, पार्ट टू, इन केस आपने पार्ट वन वीडियो नहीं देखी है, तो पहले उसको देख लीजिए। आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा। तो आप पार्ट वन वीडियो देख लीजिएगा। पार्ट वन देखने के बाद जब पार्ट टू आप देखेंगे, तो आपको और अच्छी क्लैरिटी आएगी। और अगर आप पार्ट वन देख चुके हैं, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो यहाँ पे ये बात हो रही है एंगल के बारे में। तो यहाँ पे ये टेबल हमको याद करनी होती है कि साइन जो आपके रेशियो होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक, ये कॉसेक लिख गया है यहाँ पे पहले, कॉसेक और फिर सेक, ये जो रेशियो होते हैं, इनकी टेबल याद करनी होती है कि इसका 0 डिग्री पे कितना वैल्यू होगा, 30 डिग्री पे कितना वैल्यू होगा, 45 डिग्री पे कितना वैल्यू होगा, 60 पे कितना वैल्यू होगा, 90 पे कितना होगा। तो ये आपको टेबल याद करनी होती है। मेरे भी टीचर ने ऐसा बोला था, मैंने जब पूछा क्यों, तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो मेरे फादर के फ्रेंड थे, तो थोड़ा अपनी तसन में रहते थे। तो बट वो टेबल याद करने में मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम महसूस हुई थी याद करने में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सारी वैल्यू माइंड में याद करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। बट मैं आपको ये याद करने में नहीं बोलूँगा, मेरी गारंटी है कि जितने भी व्यूवर्स इसको देखेंगे, अप्रॉक्स 500 600 1000 जितने भी देखेंगे, तो आप सब लोग 5 मिनट के अंदर ही टेबल बना सकते हैं। ये मेरी गारंटी है, सब लोग 5 मिनट के अंदर ही टेबल बना सकते हैं। तो टेबल कैसे बनानी, वो मैं आपको सिखाता हूँ, टेबल बनानी कैसे है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप साइन कॉस का, मैंने पार्ट वन जो वीडियो बनाई थी, वहाँ पे मैंने बताया था कि आप सिक्वेंस यही याद रखेंगे, साइन होता है, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉट, फिर सेक और फिर कॉसेक। आप सिक्वेंस यही याद रखेंगे। मैं हर एक जो भी मैंने चीज़ें आपको याद करवाई है या आपको समझाया है, इजी किया, इसी सिक्वेंस से याद करवाया है, तो आप सिक्वेंस यही याद रखेंगे। तो हम लोग टेबल याद करना है, टेबल जो है उसको बनाना है, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो टेबल बनाने के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ पार्ट वन में। इन केस आपको थोड़ा याद करा दूँ, तो मैं लिख भी देता हूँ कि सबसे पहले आपको रेसिप्रोकलिटी आनी चाहिए। तो उसका रेसिप्रोकलिटी क्या होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। कहने मतलब क्या है, जो साइन होगा वो लास्ट वाला कॉसेक का रेसिप्रोकल होगा। क्या होगा, रेसिप्रोकल मीन्स साइन थीटा होगा 1/cosec थीटा, और कॉसेक थीटा होगा 1/sin थीटा, कॉसेक थीटा होगा 1/sin थीटा। सेम चीज कॉस जो होगा वो सेक का रेसिप्रोकल होगा, कॉस थीटा होगा 1/sec थीटा, और सेक थीटा होगा 1/cos थीटा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल, एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल, ठीक है ना। ऐसे टैन जो होगा कॉट का होगा, टैन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, तो 1/cot थीटा, और कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कैसे याद करना है, फर्स्ट वाला लास्ट के साथ, सेकेंड वाला थर्ड के साथ, सॉरी सेकेंड वाला सेकेंड लास्ट के साथ, थर्ड वाला फोर्थ के साथ, ये होता है रेसिप्रोकलिटी, ठीक है ना। इसके अलावा एक और फॉर्मूला जिसकी हेल्प लगेगी, वो फॉर्मूला पार्ट वन डिस्कस किया था, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, इसकी और हेल्प लगेगी। इन दोनों के हेल्प से हम लोग टेबल पूरी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टेबल कैसे ड्रॉ करना है उसको देखिए।
तो साइन के लिए कैसे ड्रॉ करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, जीरो लिखना है, वन टू थ्री फोर, आपको जीरो से लेके फोर तक गिनती लिख देनी है, ठीक है ना। मेरे साथ साथ आप ड्रॉ करेंगे, आप कॉपी पेन लेके बैठिए, मेरे साथ साथ ड्रॉ करिए, आप उसको वीडियो को पॉज करेंगे उतना पार्ट लिख के उतना लिखेंगे, मेरे साथ साथ ड्रॉ करिए, मेरी गारंटी है जो भी लगभग 1000, 800, 600 जितने भी आप लोग व्यू होते हैं, जितने लोग आप लोग देखोगे, सब लोग पाँच मिनट के अंदर इस टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। और ख़ुद को आपको ड्रॉ करने की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, ठीक है ना। तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, टेंशन लेना है, आप 5 मिनट के अंदर टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, और जब प्रैक्टिस करेंगे तो 2 मिनट के अंदर पूरी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, फिर आपको सारे वैल्यू याद भी हो जाएंगे जब आप इसकी खूब प्रैक्टिस करते हैं। तो जीरो से लेके फोर तक आपने नंबर लिख दिया, फिर क्या करना है, फोर से सबको डिवाइड कर देना है, तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, और फिर क्या करना है, सबका अंडर रूट ले लेना है। तो पहले क्या किया, जीरो से फोर तक लिख दिया, फिर सबको फोर से डिवाइड कर दिया, फिर सबका अंडर रूट ले लिया। अब इसको सॉल्व करना है, तो जीरो में किसी भी नंबर का डिवाइड करते हो तो आंसर आता है जीरो, तो ये तो हो गया रूट जीरो। अब ये हो गया आपका, इसका आंसर देखिए आएगा, क्योंकि अभी कटेगा तो है नहीं, वन का अंडर रूट कितना होगा, वन, और फोर का अंडर रूट होगा टू, तो 1/2 इसका आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 1/2, मैं बॉक्स बंद कर दे रहा हूँ, जो फाइनल आंसर है। तो साइन 30 डिग्री कितना हो गया, 1/2। अब देखिए ये तो थोड़ा सॉल्व होगा, देखिए 2 से कटेगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1/2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर ये 1 है, तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि 1 का रूट 1 होता है, और 2 का रूट हो जाता है, 2 का रूट हो जाएगा 2, तो ये अब यहाँ बचा रूट थ्री बाई फोर, तो रूट 3 का रूट कितना हो जाएगा, देखिए कटेगा तो है नहीं, तो 3 का रूट कितना होगा, 3 का आपको इंडिविजुअल तो होगा नहीं, तो 3 का रूट तो रूट 3 रहेगा। अब ये 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे √3/2। अब ये 4 कट गया तो 1 आ गया, अब 1 का रूट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी निकल चुकी है, ये वैल्यू आपकी निकल चुकी है, और ये रूट जीरो, जीरो का रूट कितना, 0। मैं फिर से समझा देता हूँ, अंडर रूट 0/4, तो आपने इसको 4 से 0 को डिवाइड किया तो 0 ही आएगा, तो रूट 0 कितना हो गया, 0, ये 1/4 और फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है, अब सीधे हम लोग रूट निकालेंगे, तो 1 का रूट कितना हो गया, 1, और 4 का रूट कितना हो गया, 2, 4 का रूट कितना हो गया, 2, ये अंडर रूट 2/4, तो इसको कट किया, 2/4 को कट किया, तो ये 1/2 हो गया, कितना हो गया, 1/2, 2 से कट किया 1, 2 से 4 को कट किया 2, तो 1/2 हो गया, 1 का रूट कितना हो गया, 1, और 2 का रूट कितना हो गया, तो 2 का रूट निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, तो रूट के अंदर ही रह गया, तो अंडर रूट 2, तो 1/√2 इसकी वैल्यू हो गई। सेम तरीके से अंडर रूट 3/4, तो 3 का रूट नहीं निकलेगा, तो ये अंडर रूट के अंदर ही रह गया, और 4 का रूट क्या हो जाएगा, 2, तो ये रूट निकल गया, 4 कट के 1 आ गया, 1 का रूट 1 हो गया, तो ये साइन की सारी वैल्यू आ चुकी है, है ना। तो साइन निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट ना, अब सारा काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो जैसे साइन निकाल लिया तो उसका जो पास वाला कॉस होगा ना, वो निकालना बहुत ईजी होता है। आपको क्या करना है, आपको बस उल्टा लिखना स्टार्ट करना है। उल्टा कैसे, जो साइन में 90 है वो आपको कॉस में 0 हो जाएगा, तो आप क्या करो, यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, तो ये 1 हो गया, फिर क्या हो जाएगा, √3/2 हो गया, फिर क्या हो जाएगा, 1/√2 हो गया, फिर क्या हो जाएगा, 1/2 है तो 1/2 हो गया, फिर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, बस यहाँ से लिखना स्टार्ट किए, यहाँ से उल्टा चलना है, तो 1, 1, फिर √3/2, √3/2, 1/√2 दोनों में सेम ही आ गया, फिर 1/2, 1/2, 0, 0, तो कॉस हो गया, ठीक है ना। तो कॉस निकालना कितना ईजी था। अब देखिए टैन कैसे निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला होता है tan θ = sin θ / cos θ, तो आपको क्या करना है, दोनों को डिवाइड कर देना है, फिर 0 में 1 से डिवाइड करोगे, 0 आंसर आएगा, 1/2 √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, आप इसको अलग से डिवाइड कर सकते हो, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आएगा 1/√3। ये 1/√2, 1/√2, सेम चीज़ डिवाइड करोगे, कट के आंसर कितना आ जाएगा, 1/√3/2, 1/2, 2 से 2 कट गया, आ गया √3/1, नीचे 1 लिखने का मतलब नहीं, √3 आंसर। 1/0, 0 से डिवाइड कर रहे हो, देखो एक चीज़ याद रखो, जिंदगी भर अगर 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करोगे तो आंसर 0 आएगा, लेकिन 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, या तो इनफिनाइट, या तो नॉट डिफाइंड, या तो अनडिफाइंड, कुछ भी बोलो, है ना। तो जैसे यहाँ पे हम लोग इनफिनाइट बोल देते हैं, तो ये इनफिनाइट हो गया।
फिर मैंने बताया जैसे टेन, ये आपस में जो पेयर होते हैं ना वो जल्दी जल्दी निकलते हैं, टेन निकल गया कॉट अपने आप निकल जाएगा, कैसे? यहाँ से उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो। तो पहले इन्फिनाइट लिख दिया, फिर क्या लिख दिया, रूट थ्री लिख दिया, फिर क्या लिख दिया, वन लिख दिया, फिर क्या लिख दिया, वन बाई रूट थ्री लिख दिया, और फिर क्या लिख दिया, जीरो। उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो, कितना ईजी है। केवल साइन निकालने में थोड़ा दिक्कत हुई होगी, अब कितना ईजी है। अब सेक, तो रेसिप्रोकलिटी के अकॉर्डिंग देखिए, सेक जो होता है आपका कॉस का रेसिप्रोकल है, सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। तो कॉस का मेरे को रेसिप्रोकल मिल गया, तो अब जो कॉस की वैल्यू उसका रेसिप्रोकल करते जाओ। रेसिप्रोकल मींस वन अपॉन में, तो वन अपॉन वन कितना हो गया, वन ही रहा। अब रूट थ्री बाई टू का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसको पलट दो, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो हो गया टू बाई रूट थ्री। वन बाई रूट टू का रेसिप्रोकल, तो रूट टू बाई वन, रूट टू बाई वन। अब बाई वन का कोई मतलब नहीं होता, तो रूट टू लिख दिया केवल, है ना, रूट टू आंसर आ गया। ऐसे वन बाई टू, तो क्या हो गया, टू बाई वन, तो टू बाई वन का आंसर टू रहेगा। जीरो का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा वन बाई जीरो, और वन बाई जीरो क्या होता है, वन बाई जीरो, वन बाई जीरो क्या होता है, इनफाइनाइट, तो आपने इनफाइनाइट लिख दिया, ठीक है ना। अब कॉसेक, फिर देखिए कॉसेक क्या आ जाएगा, सेक आ गया, तो कॉसेक इसका उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो। तो इनफाइनाइट, फिर टू, फिर रूट टू, फिर टू बाई रूट थ्री, और वन आंसर आ गया। तो ऐसे आपने पूरी टेबल ड्रॉ कर ली, है ना, ऐसे आपने पूरी टेबल ड्रॉ कर ली, जो कि आपको याद करनी थी, बट आपको याद करने की अब जरूरत नहीं है। तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं इस टेबल के बिहाफ पे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसमें जो टेबल क्वेश्चन आते हैं इस टेबल के बिहाफ पे पूछे जाते हैं। जैसे एक दो क्वेश्चन मैं लेता हूँ और उसको सॉल्व कराता हूँ, फिर एक दो क्वेश्चन आपको देता हूँ कि आप उसको होमवर्क में करिए। जैसे मैं कह रहा हूँ साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस में साइन 30 इंटू कॉस 60, इसका आंसर मेरे को बताना है क्या होगा। तो अगर मैं टेबल में जाके देखूंगा, आप लोग पीछे जाके देख सकते हैं, तो साइन 60 की वैल्यू होती है रूट थ्री बाई टू, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है वन, कॉस 30 की भी वैल्यू होती है रूट थ्री बाई टू, आप टेबल में जाके देखेंगे ये वैल्यू होती है ना। साइन 30 की वैल्यू होती है वन बाई टू, और कॉस 60 की वैल्यू भी होती है वन बाई टू। तो मैंने सारी वैल्यू पुट कर दिया टेबल से, मेरे को सारी वैल्यू को पुट कर देना है, ठीक है ना। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। तो ये रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू सेम है, तो रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर, ये हो जाएगा इसे वन बाई टू का स्क्वायर, तो रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर, तो रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा थ्री, और टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर। ऐसे वन का स्क्वायर वन, और टू का स्क्वायर फोर। अब एलसीएम हो जाएगा फोर, तो थ्री प्लस वन कितना हो गया, फोर बाई फोर, कट के आंसर कितना हो गया, वन आंसर आ गया। तो इसका आंसर कितना हो गया, वन हो गया। ऐसे आपको टेबल का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करने होते हैं। अब जैसे मैं फुटकर इसमें वैल्यू पूछता हूँ, जैसे मैं पूछूंगा कि टेन थर्टी कितना होता है, तो टेन थर्टी, तो टेन में थर्टी कितना हो गया, वन बाई रूट थ्री। अगर पूछा हूँ साइन सिक्सटी कितना होता है, तो साइन और सिक्सटी, साइन में सिक्सटी कितना होता है, रूट थ्री बाई टू। ऐसे मैं पूछूँ कॉट नाइन्टी कितना होता है, तो कॉट नाइन्टी ये कितना होता है, जीरो, ठीक है ना। तो मैं कुछ होमवर्क आपको देता हूँ कि आप कुछ ये क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट में करेंगे, आपने टेबल, आप टेबल के हेल्प भी ले सकते हैं, आप टेबल देख के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टेबल देखने पहले मेरा रिक्वेस्ट है, आप पहले टेबल ड्रॉ करिए, आप टेबल बनाइए, और टेबल बनाने के बाद उस टेबल के हेल्प से आप इसके आंसर निकालिए, है ना। तो टेबल बनाने की आपकी प्रैक्टिस होगी, और फिर इसके आंसर्स को आप कमेंट में करिए आप। तो पहला मेरा है साइन 30 कितना होगा, साइन 30 कितना होगा। सेकंड मेरे पास, मैं आपसे पूछ रहा हूँ टेन 45 कितना होगा, टेन 45 कितना होगा। फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ सेक 90 कितना होगा, सेक 90 कितना होगा। फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कॉस 60 कितना होगा। फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ सेक, सेक आपका सेक 60 कितना होगा। फिर मैं पूछ रहा हूँ कॉसेक जीरो कितना होगा, कॉसेक जीरो कितना होगा, थैंक यू, कॉसेक जीरो कितना होगा। तो ये आपको आंसर्स कमेंट में बताने हैं, ये आंसर आपको कमेंट बताने हैं, ठीक है ना। मेरा फोन है, मेरा है। तो ये आंसर्स आपको कमेंट में बताने हैं, ठीक है ना, इसके आंसर। अब मैं एक क्वेश्चन और आपको सॉल्व कराता हूँ कि जिससे हेल्प से आपका क्वेश्चन ये आपको टेबल का यूज करना कैसे आएगा वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे को निकालना है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, इसकी वैल्यू बतानी है कितना होगा, है ना। तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो ये 1/2 लिखा, इसका स्क्वायर हो गया। और कॉस 30 डिग्री होता है रूट थ्री बाई टू, तो रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर हो गया, तो 1/2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, प्लस रूट थ्री का स्क्वायर 3, और 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो ये आपने एलसीएम ले लिया 4,
तो 1 + 3 कितना हो गया, 4/4 कट के 1 आ गया। इस टाइप से अगर आपको वैल्यू पता है तो आप इसके आंसर्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पार्ट टू मैं इतना ही रखता हूँ इसका आपको, क्योंकि यहाँ पे मेन जो इंपॉर्टेंट था टेबल ड्रॉ करना, इसके बाद पार्ट थ्री में आपको ट्रिग्नोमेट्री का मैं कंप्लीट करा दूंगा, उसमें और कुछ फॉर्मूले होते हैं तो करा के ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करा दूंगा। अभी आपको इस आंसर्स को आपको कमेंट में जरूर बताना है, ताकि मेरे को आइडिया लगे कि आपको टेबल पढ़ना आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसके आंसर्स को आप कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू।